चेतावनी नोबल जी खुशामदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के हाथों पूरी तरह हार चुका है और आने वाला मैच वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम इंग्लैंड से होने जा रहा है। वेस्ट इंडीज के साथ मैच में पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुई, ना बैटिंग चली, ना फील्डिंग और ना ही कोई बॉलिंग में जादू दिखा सका। वेस्ट इंडीज से शिकस्त के बाद पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट स्टाफ मायूस हुआ। विकी ऑर्थर पूरी टीम पर बहुत बरहम हुए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन 8 खिलाड़ी बाउंसर पर आउट हुए, जिसके बाद ये जाहिर होता है कि तकरीबन पूरी टीम बाउंसर में वीक है और इसको देखते हुए बाकी टीमें भी इसको फॉलो करेंगी और आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टीम को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। इंग्लैंड के साथ मैच में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। ज़राए के मुताबिक हारिस सुहेल की जगह आसिफ अली और हसन अली की जगह शाहीन अफरीदी को शामिल किया जा सकता है। वेस्ट इंडीज़ से हार के बाद कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान की टीम की तैयारी अच्छी नहीं थी। कोचेस भी इस बारे में बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले मैचेस में ये तब्दीलियां बहुत बेहतर साबित हो सकें। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आने वाले मैचों में अच्छा खेल पेश करेगा।